मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा DMCH में कल जो स्थिति थी कि कल करीब 15-20 लोग पहुंच गए थे जो घायल, हालांकि वहां पर जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें संभाला, हालांकि दो की हालत गंभीर है उसे भेज दिया गया। हम आज भी दरभंगा DMCH पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए और स्थिति सामान्य है। इस विषम परिस्थिति में हम बता दें कि एक जो डिजिटल एक्सरे की बात हुई थी वहाँ पर, वो उसके लिए क्या काम चल रहा है? डिजिटल एक्सरे एक लगना था बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, बहुत दिनों से उसको लगाने की चर्चा थी। हम लोगों को कहा गया जो जगह नहीं मिल रहा है इसलिए डिजिटल एक्सरे नहीं लग रहा है, तो मैंने ऑर्थो का OPD में के सामने में जगह उसको दे दिया 5 फरवरी को। उन लोगों के द्वारा ये बतलाया गया कि मशीन मेरा इंपोर्ट हो चुका है, सिर्फ जगह के चलते नहीं लग रहा है। जब उसको 5 फरवरी को दे दिए तो फिर 4 महीना तक वो लोग रखे रहे, तो बोले कि अब हो जाएगा। जब उन्होंने मैंने कोई पक्का बात नहीं किया जब हम अमुक तिथि तक लगा देंगे, तो हम बोले जब आप हमको NOC दे दीजिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा देते। उसी क्रम में अस्पताल के स्रोत से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया, बिजली का काम हो गया। एक उन लोगों को जो आता है आपको लेड, माने विकिरण नहीं जाए ऐसा डोर आता है, लेड का कोटिंग रहता है शायद उस पर, तो उनको लगाने की बात हो रही है, जिसके चलते वो 1.5 महीना से टाल मटोल कर रहे हैं। वो भी यहाँ के वेंडर से लगवा दिया गया है। अब वो लोग कहते हैं कि मशीन मेरा इंपोर्ट ही नहीं हुआ, जबकि हमको BMICL के कई पदाधिकारी और उस जी के कंपनी के आदमी आके कहते थे कि मशीन आपका वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो अब मशीन लाना और लगवाना उनका काम है, यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी है, वो जब ले आएंगे 24 घंटा में चालू हो जाएगा। तो आखिर इस पर कैसे निगरानी होगा उस पर, क्योंकि आपकी कड़ाई से काम प्रारंभ भी हो जाता, तो इस पर कुछ कड़ा निर्देश? कुछ नहीं, सरकारें के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से वहाँ कुछ हो सकता है। कल एक मीटिंग है, उसमें जा रहे हैं, वहाँ फिर इस मुद्दा को उठाया जाएगा। अब एक नया मुद्दा आ रहा है कि ये एजेंसी जो जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है DMCH, जो आपके सपोर्टिव एजेंसी हैं, जिसको DMCH खुद काम नहीं कर पाता, एजेंसी के माध्यम से जो पूरा किया जाता है, जैसे सुरक्षा हो, कंप्यूटर का हो, फिर अलग अलग एजेंसियाँ जो काम करती है, सफाई की हो, अलग अलग, इसमें एक कहा जा रहा है कि पहले तो कंप्यूटर की जो एजेंसी थी वो भाग गई, बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला, बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो एजेंसियों पर कुछ अंकुश लगाने का कुछ प्रावधान है ताकि वो आपसे डरे और किसी के साथ अन्याय ना हो? नहीं, कानून के हिसाब से एजेंसी को भी चलना होगा, इसमें डरने या नहीं डरने की बात नहीं है। हम लोगों के यहाँ एजेंसी का चयन जो है ना वो मॉडल टेंडर के हिसाब से होता है, उसमें तकनीकी रूप से जो सक्षम लोग रहते हैं 2-4-5 उसमें जिनका न्यूनतम दर रहता है उसी का चयन किया जाता है। अब पैसा लेकर के पुरानी एजेंसी भाग गई है, मुझे भी मालूम हुआ है, तो यहाँ बिना पैसा के भी लोग क्यों काम कर रहे थे? उनको भी ना सोचना चाहिए, जब हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो हम काम नहीं करें। आपको हम बता दें, कुछ कर्मी ऐसा है जो 6 महीना से उनको पैसा नहीं मिला, अभी भी वो यहाँ मर्रा रहे हैं, जो हम फिर काम करें बिना पैसा का ही काम करें, नाम कह देंगे तो आपको अचंभा लग जाएगा। सिर्फ एजेंसी का दोष थोड़े है, काम करने वाले का भी दोष है। यदि आपको पैसा नहीं मिल रहा था तो आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? आपको इस मुद्दे को श्रम विभाग में या अन्य सरकार का जो विभाग है या न्यायालय है, हम लोग तो इस काम को अपने स्टाफ से नहीं करा पाए इसलिए आउटसोर्सिंग किए, तो जब उसका हम टेंशन रखवे करेंगे तो हम आउटसोर्सिंग क्यों करेंगे? हम तो अपना बोझ हल्का करने के लिए ना आउटसोर्सिंग किए। तो ये प्रश्न तो आप जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके मालिक से पूछिए, चाहे उस कर्मी से पूछिए, मेरे लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग तो यहाँ रहते भी नहीं, कहते कि हमसे जानकारी नहीं रहते हैं, तो फ़ोन का ज़माना है, आप उनसे फ़ोन पर संपर्क कीजिए, और जो आदमी को पैसा नहीं मिला है उनको कहिए सक्षम प्राधिकार के पास जाएं, अपना ये करें, कंप्लेन करें। वो तो गरीब हैं, कहाँ जाएंगे, आपके संरक्षण में है, आपके आश्रित जैसे काम कर, संरक्षण नहीं है इस शब्द को, थोड़ा काम आश्रित मतलब आपकी सेवा कर रहे हैं, DMCH की सेवा कर रहे हैं, हमारे उस आउटसोर्सिंग एजेंसी के वो स्टाफ हैं, लेकिन सेवा DMCH की कर रहे हैं, वो DMCH में काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी का काम कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट उनको रिक्रूट नहीं किए हैं। आप इस बात को समझिए, जो डायरेक्ट तो हम रिक्रूट नहीं किए हैं, उनकी सेवा के शर्तों को उन्होंने स्वीकार किया होगा इसलिए उसमें काम कर रहे हैं।
तो ऐसे एजेंसियों के क्या पेमेंट रुकने की व्यवस्था है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं दे पाते हैं पेमेंट? ये तो इंटरनल वर्क हो गया, तो ऐसे एजेंसियों पर थोड़ी सी अगर आप कड़ाई कर देंगे कि नहीं, जिससे आप काम करते हैं। देखिए, हमारा काम ये नहीं है, आप घुमा फिरा के जो बात पूछ रहे हैं। एजेंसी जिस विभाग में काम कर रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, यदि वो रजिस्ट्रेशन में मेरा काम कर रहा है, 50,000 रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है, तो वहाँ एजेंसी को हम देंगे जो रेट पर 3 रुपया 53 पैसा पर उसको हम पेमेंट देंगे। कहे तो मेरा तो काम है रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन वो कर दिया, हम उसको पेमेंट देंगे। अब वो किससे करवाए से हमको मतलब नहीं है, उसको रेगुलेट करने वाले हम नहीं हैं। अब एजेंसी का होगा सीधा, एकदम एजेंसी का वो स्टाफ है। अभी दूसरा मामला आ रहा है कि जो गार्ड वाले हैं, पूरे आज 35 आदमी को रखा गया, बाकी सबको जो नॉर्म्स है आपके अनुसार जो कि नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत मैट्रिक नहीं है उनको हटाया गया, जो 55 से ऊपर उनको हटाया गया, लेकिन जिनको रखा जा रहा है 15,000 रुपया एजेंसी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में लिया जा रहा है, तो ये पूरे तरह से हले। आखिर इस तरह DMCH के नाम पर वो क्यों करते हैं इसे उन लोगों पर? आप एक DMCH का रसीद ले आइए, एक DMCH के आदमी को लाइए जिसने पैसा लिया हो, मेरे ऑफिस का आदमी, और उससे शपथ पत्र के साथ दाखिल करवाइए, वरना इसको आप प्रसारित नहीं कीजिए। आपके नहीं मतलब एजेंसी, मैं तो एजेंसी को दिया। एजेंसी देखिए, मैं हम क्राइटेरिया मॉडल टेंडर में कर दिए, आप ही लोग कहते थे बूढ़ा आदमी आपका गार्ड है, उसको 55 साल कर दिए, 55 साल 21 से 55 जो जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं जो फिजिकली फिट, उसको दिए। आप लोग कहते थे गार्ड ये है वो है, तो उसको मैट्रिक पास कर दिए, तो क्राइटेरिया में तो हम ला दिए। अब जो पहले से मूर्खाधिराज सब काम कर रहे थे तो वो छट गए हैं, चाहे जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो छट गए हैं, अब वो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यदि एजेंसी किसी का चयन किस आधार पर कर रही है, मेरा तो ये मानदंड है कि वो स्वस्थ हो, उसका उम्र 21 से 55 साल हो और वो मैट्रिक पास हो। इसके अलावा यदि एजेंसी उस चयन में कुछ गड़बड़ी कर रही है तो एजेंसी पर न प्रश्न उठाइएगा, उनके आदमी से मिलिए। हम तो शुक्रवार को या शनिवार को जो है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, कागज़ सही है कि नहीं, उम्र सही है कि नहीं, कितने लोग हैं कि नहीं। हाँ, एजेंसी तो कहती है, लेकिन एजेंसी जहाँ जहाँ कहती है वो DMCH में कहती है आपको DMCH में जॉब मिलेगा, आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा, ये एजेंसी कहती है। तो आखिर घुमा फिरा के जो आ जाता है नाम, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, DMCH में तुमको नौकरी मिलेगा, शादी हो रही है तो DMCH में वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह की बात जो एजेंसियाँ करती है, हम करें कि उस पर थोड़ी सी भी दबिश अगर हो तो बहुत का कल्याण, जो आपके DMCH की सुरक्षा करते हैं, जो आपकी कर्मचारी आपके माध्यम से दीजिए, जो ये आउटसोर्सिंग के एजेंसी के जो स्टाफ हैं वो DMCH के कर्मचारी नहीं हैं। इस नाम पर यदि कोई तुमसे धोखाधड़ी करता है, पैसा मांगता है, तो मत दो, तुम्हारे साथ ठगी कर रहा है। ये काम मीडिया का है, समाज का है, लोग नहीं समझ रहा है, लोग नहीं समझ रहा है जिसको कहाँ नौकरी मिल रही है। अब वो अपना को DMCH समझ ले, अपना माथा पर DMCH लिख ले, आईडी कार्ड DMCH का बनवा ले, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम बता दें, दरभंगा DMCH अधीक्षक ने भी कहा आप लोग भी समझ लें, ये सारी एजेंसियां का खेल है, एजेंसी ही अपॉइंट करती है, एजेंसी ही सैलरी देती है, उसको काम करने के वजह में DMCH एजेंसी को पेमेंट करती है, लेकिन अगर एजेंसी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करती है या घूस लेती है या DMCH को बदनाम करती है तो आप सावधान रहें। आप इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप मीडिया में जाइए, पुलिस में जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी आवश्यक है जो न सिर्फ DMCH को बदनाम करते हैं बल्कि आप लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम इसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। धन्यवाद।